सासुमा शारदा सोफे पर बैठकर किराने के सामान के बिल को अजीब तरीके से देख रही होती है। बहू अनामिका रसोई के दरवाजे के पास स्लेट पेंसिल लेकर खड़ी थी और परेशान होकर ताक झाक कर रही थी। सासुमा किराने के सामान के बिल को बड़े ही आश्चर्य तरीके से देख रही है, यानी कि निश्चित रूप से उनकी नज़र चौक पीस और स्लेट पेंसिल पे जरूर गया होगा। अब पूरे घर को ये पता चल जाएगा कि मैं चौक पेंसिल रोज खाया करती हूँ, अब क्या होगा। इस तरह सोचते हुए वो सासुमा शारदा को देखी जा रही थी। तभी शारदा के पति प्रसाद सोफे पे आके बैठते हैं और देखते हैं बिना बातचीत किए हुए शारदा बड़े ध्यान से ग्रोसरी का बिल देख रही है। क्या हो गया शारदा, इतना आश्चर्य होकर किराने के बिल को देखे जा रही हो? ये बिजली बिल नहीं है। मैं इस किराने के बिल को आश्चर्य होकर नहीं देख रही हूँ। इस बिल में लिखा हुआ है 30 चौक पीस के डब्बे और 30 स्लेट पेंसिल के डब्बे। क्या कह रही हो शारदा, 30 चौक पीस के डब्बे और 30 स्लेट पेंसिल के डब्बे, ये कैसे हो सकता है? आप खुद ही देख लीजिए ना। इतना कहकर वो बिल देखने के लिए प्रसाद को देती है। ये देखकर अनामिका मन ही मन, हे भगवान, अब पिताजी को भी सब पता चल गया, वो बिल देख रहे हैं। इस तरह सोचते हुए वो स्लेट पेंसिल खाने लगती है और उधर प्रसाद बिल देख रहे होते हैं। ये क्या, हर दिन चौक पीस का डब्बा और हर दिन स्लेट पेंसिल का डब्बा, मतलब 30 चौक पीस का डब्बा और 30 स्लेट पेंसिल का डब्बा। तो क्या हरीश और भव्या इतना लिख रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक उसी वक्त हरीश और भव्या स्कूल बैग लेकर कंधे पे घर वापस लौट के आते हैं और ये देखकर अनामिका, अब माँ पिताजी बच्चों से चौक पीस और स्लेट पेंसिल के बारे में पूछताछ करेंगे, वो कहेंगे उन्हें नहीं पता, फिर वो मुझे बुलाएंगे। इस बीच अगर मेरे पति रमेश घर आ गए तो वो भी आकर वो बिल देखेंगे, अब मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं? वो सोच ही रही थी तब तक प्रसाद पोता हरीश को पूछते हैं, क्या पोते साहब, आजकल बहुत ज्यादा लिख रहे हो क्या? हमें नहीं पता दादाजी, अब तक तो हम सोच रहे थे कि हमारे बैग से स्लेट पेंसिल जा कहां रहे हैं, कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ दादा दादी, अगर आप लोग थोड़ा पैसे दे तो स्कूल के दुकान के पास से हम स्लेट पेंसिल खरीदेंगे। इस तरह कहने पे शारदा कुछ छुट्टे उन्हें देती है, पैसे लेकर बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। बहू, अरे ओ अनामिका। शारदा के इस तरह से बुलाने पे अनामिका जल्दी जल्दी चौक पेंसिल खाती है और मुंह बिना पोछे ही वो शारदा के पास चली जाती है। वहाँ पे सासूमा और ससुर जी अनामिका से चौक पेंसिल और स्लेट पेंसिल के बारे में पूछताछ करते हैं। अनामिका कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तभी शारदा प्रसाद गौर करते हैं कि अनामिका के मुंह में कुछ सफेद रंग लगा हुआ है। तब शारदा को समझ में आ जाता है कि अनामिका को स्लेट पेंसिल चौक पेंसिल खाने की आदत है और उस पे वो नजर रखने लगती है। फिर एक दिन सुबह सुबह करीबन सुबह के 5 बज रहे थे, शारदा अलार्म की घंटी से उठ जाती है। वो हॉल में आती है और आकर बत्ती जला देती है। लगता है बहू बाहर रंगोली दे रही होगी। ये सोचकर शारदा बिना आवाज किए हुए धीरे धीरे दरवाजा खोल के देखती है। देखती है बिना रंगोली दिए हुए बहू वहाँ बैठकर चौक खा रही है। जो सोचा था वही हो रहा है। इस तरह वो सोच ही रही थी कि अनामिका उठ के खड़ी हो जाती है। जल्दी जल्दी शारदा अपने कमरे में चली जाती है। अनामिका घर के अंदर आती है, फिर बच्चों का बैग वो खोलती है और उससे स्लेट पेंसिल निकाल के खाने लगती है। अपने बेडरूम से शारदा ये सब कुछ देख लेती है। उसके बाद वो हॉल में आती है। अनामिका सासुमा शारदा को देखती है। शारदा बहुत गुस्से से उसे देख रही होती है। अनामिका घबरा जाती है। सासुमा, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मुझे ये सब खाने की आदत है, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से चौक पेंसिल और स्लेट पेंसिल खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है बहू, दांत खराब हो जाएंगे, नकली दांत लगाने पड़ेंगे। आज के बाद मैं नहीं खाऊंगी माँ जी। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। शारदा अब से चौक पीस और स्लेट पेंसिल घर पे लाना बंद कर देती है। बिना चौक पीस खाए हुए अनामिका को अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अनामिका बहुत सोच विचार करती है, फिर स्कूल के रास्ते में जाके वो इंतजार करने लगती है। वहाँ दूसरे बच्चों से चौक पेंसिल लेकर वो खाने लगती है। फिर बच्चे जाके ये बात अपने माता पिता को बताते हैं। फिर उनके माता पिता शारदा के घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। शारदा को लगने लगता है कि घर के बाहर मानो कि कुत्तों की लड़ाई चल रही हो। अरे तुम लोग कुत्तों की तरह मत चिल्लाओ, क्या हुआ है कोई एक आके बताओ। तुम्हारी बहू और क्या, जब हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं उनसे चौक पेंसिल स्लेट पेंसिल लेके खा लेती है। क्या ये अच्छी बात है, बताओ शारदा दीदी। तुम्हारी बहू है इसीलिए हम उसे मौका दे रहे हैं, कोई और होता ना तो उसे हम टकला कर देते। इतना गुस्सा मत करो तुम लोग, मैं अपनी बहू से पूछूंगी,
देखती हूँ आइंदा ऐसा ना हो, अब तुम लोग जाओ। इस तरह से कहकर समझा बुझा के वो सभी लोगों को घर भेज देती है। वो कानाफूसी करती है फिर वहाँ से चली जाती है। शारदा घर आके अपनी बहू को बुलाती है। चॉक पेंसिल स्लेट पेंसिल मैंने छुपा रखा था ताकि तुम ना खाओ, पर ऐसी परिस्थिति हो गई कि स्कूल जाने वाले बच्चों से तुम मांग के खाने लगी हो। अब से मैं घर ले आऊंगी, तुम्हें जितना मन उतना खाओ। इतना कहकर वो चली जाती है। सासू माँ समझ जाती है कि खाने के लिए अनामिका कितना तड़प रही है। अनामिका भी बड़े शौक से चॉक पेंसिल खाने लगती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन अनामिका को अचानक से बहुत दांतों में दर्द होने लगता है, उसका मुंह सूज जाता है। रमेश अनामिका को डेंटिस्ट मुकुंद के पास ले जाता है। वहाँ डॉक्टर मुकुंद अनामिका की अच्छे से जांच करते हैं। क्या आप चॉक पेंसिल और स्लेट पेंसिल बहुत ज्यादा खाती है? बहुत मतलब बहुत खाती है डॉक्टर साहब, खाना वाना नहीं खाती है, जब देखो तो चॉक पेंसिल और स्लेट पेंसिल खाते रहती है। अनामिका बिना कुछ कहे अपना सर झुका के वहीं खड़ी रहती है। चॉक स्लेट पेंसिल खा के इन्होंने पूरी अपनी दांत खराब कर ली है, पूरी दांत निकाल के हमें नकली दांत लगाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। डॉक्टर साहब के इस तरह से कहने पे अनामिका रोने लगती है। अब इस तरह दुखी होकर क्या फायदा डॉक्टर साहब, अब आप नकली दांत लगा ही दीजिए। इस तरह से कहने पे डॉक्टर साहब अनामिका को अंदर लेके जाते हैं। फिर एक घंटे के बाद तार से लगे हुए पूरे नकली दांत लगाकर वो बाहर ले आते हैं। रमेश को उसके नकली दांत दिखाते हैं, रमेश हंसने लगता है। फिर रमेश अनामिका को घर ले आता है। अनामिका के नकली दांतों को देखकर शारदा, प्रसाद, हरीश, भव्या सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है, दुखी हो जाती है। बच्चे पढ़े, मैं सभी से कह रही हूँ, चॉक स्लेट पेंसिल खाने का कभी सोचना भी मत, ये बहुत हानिकारक होता है। आप सभी को नमस्ते। तब से वो इस बात का ख्याल रखती है कि बच्चे कभी ऐसी गलती ना करे। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके नज़र में कोई है जो चॉक या स्लेट पेंसिल खाता हो? अगर ऐसी बात है तो उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। घर के बाहर एक रस्सी टंगी हुई थी, उसके पास बहू अनामिका कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर आती है और फिर लंबी सांस लेती है। जब मैं वॉशिंग मशीन खरीदने को कहती हूँ, मेरे गांव के पति खरीदते ही नहीं। बेटा हरीश पैदा हुआ तो वो एक बड़ा सा टीवी उठा के ले आए, छोटी भव्या पैदा हुई तो मोबाइल फोन ले आए। तो क्या वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए अब मुझे एक और डिलीवरी करनी पड़ेगी? ये कैसी जिंदगी है? ऐसा सोच ही रही थी तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। बादल गरजना सुन के अनामिका बहुत डर जाती है। फिर आसमान में देखती है, काले बादल, चमकीले बादल, किसी भी वक्त बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। हे भगवान, ये क्या, अभी तो सब्जी लाई तब तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ये काले बादलों से घिर गया। यहाँ कपड़े डाल के कोई फायदा नहीं, वहाँ बेंच के पास रस्सी है, वहीं मैं कपड़े टांग देती हूँ। इस तरह सोच के बाल्टी लेकर वो दूसरे रस्सी के पास चली जाती है। तभी सासू माँ शारदा हाथ में टीवी का रिमोट लेकर बहू अनामिका के पास आती है। उधर रमेश जो खेतों में काम कर रहा था, बादलों को देखकर पिताजी प्रसाद जो उसी के साथ काम कर रहे थे उन्हें कहता है, पिताजी एक बार आसमान देखिए तो। इस तरह कहने पे प्रसाद भी आसमान की तरफ देखते हैं। देख के लग रहा है बहुत तेज बारिश होगी। हाँ पिताजी, अगर बारिश का पानी हमारे जमीन पे ना रुके तो उसके लिए मुझे एक रास्ता काटना पड़ेगा। ठीक है बेटा, काम खत्म करके घास के तरफ आओ, मैं घास काटता हूँ। आज कैसे भी घास काट के घर के ऊपर रखना होगा, नहीं तो छोटे छोटे छेद से पानी अंदर आते हैं। अगर तेज तूफान आ गया ना तो सास बहू हमें घर में रहने नहीं देगी। वो भी सच है पिताजी, आप जाकर घास काटिए, मैं पीछे से आता हूँ। इस तरह कहकर प्रसाद अपने खेत से बाहर निकल आते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ हरी हरी घास उगी हुई थी। उधर सासू माँ शारदा जब बहू अनामिका के पास आती है तो उन्हें देखकर अनामिका सोचती है, लगता है सासू माँ बिजली कड़कने की आवाज सुन के बहुत ज्यादा डर गई। बेचारी देखने में बाहर से नारियल की तरह है पर अंदर से कोमल है, असल में बहुत बड़ी डरपोक है, छोटी छोटी चीजों से डर जाती है। वो सोच ही रही थी तभी सासू माँ शारदा बहू के मन की बात पढ़ लेती है। हाँ बहू, मैं नारियल की तरह ही हूँ, बिल्कुल बाहर से कठोर और किसी चीज से डरती नहीं हूँ, तुम्हारे पास आने का कारण है। वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही अनामिका बीच में घुस के कहने लगती है, डर तो नहीं, मैं ये समझ गई हूँ माँ जी। अनामिका इस तरह कहती है। ये सुनकर हाँ हाँ बहुत हो गया। ये सुनकर अनामिका भी मजाक में कहती है, त्योहार नहीं मनाएंगी सासू माँ। ये सुनकर
शारदा अनामिका की तरफ गुस्से से देखती है। इसमें मजाक का क्या है, दांत निकल जाएंगे तुम्हारे। अरे माँ जी, मुझे नकली दांत पसंद नहीं, आपके बेटे को तो मेरे असली दांत ही बहुत पसंद है। आपको तो हमेशा मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि आप जब हंसती है तभी सफेद दांत दिखते हैं, तभी लगता है चमेली का फूल खिला है। वो मुझे कहते, मैं आपसे कह रही हूँ। उसकी बातें सुन के शारदा शर्मा जाती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, अब बहुत हुआ, बे ऑफ बंगाल में तूफान आया है लगता है। टीवी में यही खबर आ रही है कि भारी बरसात होने की संभावना है बहू। बाहर कपड़े मत सुखाओ, साथ ही धूप में सूखे हुए जितने पकोड़े हैं उन्हें घर ले आओ, और हाँ, बड़ी छतरी ले जाकर बच्चों को लेकर आओ। ठीक है माँ जी। इस तरह कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका एक रस्सी पे सारे कपड़े टांग देती है, फिर आंगन में जो सारे सामान सूखने के लिए दिए थे उन सभी को अंदर ले जाती है। उधर रमेश बैलगाड़ी लेकर प्रसाद जहाँ घास काट रहे थे वहाँ जाता है। तुम आ गए बेटा, तुम भी जल्दी जल्दी घास काटो, बारिश आने ही वाली है। ठीक है पिताजी, जल्दी जल्दी घास काट के उसे बैलगाड़ी में रख कर ले चलते हैं। इस तरह रमेश भी घास काटने में पिताजी को हाथ बटाता है। उधर अनामिका बड़ी सी छतरी लेकर स्कूल जाती है। ठीक उसी वक्त हरीश और भव्या स्कूल से बाहर निकल आते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है। अनामिका जल्दी से छतरी खोल लेती है ताकि बच्चे भींगे ना, और उन्हें घर ले आती है। हरीश और भव्या दादी दादी कहकर उनके पास आके बैठते हैं। टीवी पर भारी बरसात की खबर आ रही थी, तभी अनामिका को भी याद आती है जिस घर में वो रह रही थी उसके बारे में, और वो परेशान हो जाती है। माँ जी, मैं घर के कामों में लगी हूँ और आप टीवी देखने में, अपनी परिस्थिति के बारे में तो हम सोचे ही नहीं। हाँ सही कही हो बहू, हल्की बारिश होती है तो पानी टपकने लगता है, और अगर तेज बारिश हुई तो हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है। बाप बेटे को जब भी कहती हूँ हरी घास लाके छत को ढक दे, पर वो मेरी बात तो सुनते ही नहीं, अब क्या होगा। दोनों के बीच बातचीत चली रही थी तभी बरसात शुरू हो जाती है। अनामिका फोन लाके शारदा को देती है। माँ जी, आपका बेटा फोन पर है, उन्हें कहिए हरी हरी घास ले आने के लिए, उन घास से हम अपने छत को ढक सकते हैं। बहू के बताए मुताबिक शारदा वही बात अपने बेटे से कह देती है। उधर रमेश बैल गाड़ी भर के हरी हरी घास लेके फोन पे बात करता है। हाँ माँ, घर के लिए ही घास काट के हम लेकर आ रहे हैं। ये कहकर वो फोन रख देता है। घास के ऊपर छोटे से प्रसाद बैठे थे, लग रहा था हरे रंग के विनायक जी हो। सास बहू रमेश से बात करके बहुत खुश होती है। अब धीरे धीरे बारिश तेज होती है, तेज हवाएं भी चलने लगती है। बारिश में भीगते हुए रमेश प्रसाद घर पहुंचते हैं। सारे घास नीचे फेंक कर वो भी नीचे उतर आते हैं। बारिश में भीगकर रमेश प्रसाद कांप रहे होते हैं। घर पे इधर उधर से पानी चूरा होता है। घर के अंदर जहाँ भी छत से पानी चूरा होता है, बच्चे वहाँ बर्तन रखने लगते हैं। इसी तरह सब काम में लग जाते हैं। बहू, अगर हम डर गए और घर के छत को नहीं ढके तो और मुसीबत आ जाएगी। चलो घास डालते हैं। ठीक है माँ जी। इस तरह सास बहू शारदा और अनामिका बारिश में भीगते हुए घर के बाहर निकल आती है। सीढ़ी के सहारे अनामिका छत पे चढ़ जाती है। शारदा घास देती है और अनामिका ढकने लगती है। जब अनामिका घास से घर के छत को ढक रही थी तभी उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। देखकर अनामिका तो आश्चर्य हो जाती है। माँ जी, यहाँ बहुत सोने के सिक्के हैं। सही में ये तो अद्भुत बात है, उन सभी को तुम नीचे गिरा दो। शारदा के कहने पे अनामिका सारे सिक्के नीचे गिराने लगती है। छत के ऊपर से सोने के सिक्के गिरते देख रमेश प्रसाद बच्चे सब आश्चर्य रह जाते हैं। सास बहू घर के छत को घास से ढक के फिर दोनों घर के अंदर चली आती हैं। जरूर ये काम मेरे दादाजी का किया हुआ है। एक जमाने में वो राजा के यहाँ मंत्री के रूप में काम करते थे। राजा के दिए हुए सोने के सिक्कों को वो चोरी के डर से यहाँ छुपा रखा होगा। अब ये हमारे हैं। हाँ पिताजी, अब हमारा घर कोई मामूली घर नहीं है, सोने का घास वाला घर है। फिर सभी लोग उस घर में रहने लगे क्योंकि पानी चूना बंद हो गया, और खुशी से जीवन बिताने लगे। आज की कहानी यहीं तक, नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।